दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मेष राशि हिंदू लड़कों के लिए टॉप 10 बहुत ही आधुनिक नाम। अगर आपको ये नेम पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नाम है अभियुक्त, और अभियुक्त नाम का अर्थ होता है भगवान कृष्ण का एक बहुत ही प्यारा सा नाम। तो यह नाम मेष राशि का एक बहुत ही आधुनिक नाम है, तो आप बॉय को यह नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट नेम इज अनय, और अनय नाम का मतलब होता है भगवान गणेश। नेक्स्ट नाम मैं सजेस्ट करूँगी अद्वैत, और अद्वैत नाम का अर्थ होता है नया यानी कि यूनिक। तो अद्वैत नाम वास्तव में मेष राशि का एक बहुत ही अनकॉमन नाम है, तो यह नाम आपके बेटे के लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट नेम इज आरुष, और आरुष नाम का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश की पहली किरण। नेक्स्ट नाम मैं सजेस्ट करूँगी चेतन, और चेतन नाम का मतलब होता है प्रतिभाशाली यानी कि ब्रिलियंट। नेक्स्ट इज लेखित, और लेखित नाम का अर्थ होता है लिखा हुआ। तो अगर आप अपने बेटे को मेष राशि लाचर का एक बहुत ही आधुनिक सा नाम देना चाहते हैं तो आप उसे लेखित नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट नाम मैं सजेस्ट करूँगी आयान, और आयान नाम का मतलब होता है भगवान का उपहार। नेक्स्ट नेम इज आयुष, और आयुष नाम का मतलब होता है लंबे समय तक जीवित रहने वाला। तो आयुष नाम वास्तव में मेष राशि का एक बहुत ही पॉपुलर नाम है, तो यह नाम आपके बेटे के लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट नाम है आदि, और आदि नाम का अर्थ होता है प्रथम। अगला नाम मैं सजेस्ट करूँगी अवि, और अवि नाम का मतलब होता है सूर्य और वायु। तो अवि नाम वास्तव में आपके बेटे के लिए एक बहुत ही मॉडर्न और काफ़ी छोटा सा नाम रहेगा, तो आप अपने बेटे को यह नाम दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बताए गए मेष राशि हिंदू लड़कों के नाम आपको कैसे लगे हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।